चलिए गाइस, आज आपको बताते हैं कि फेसबुक का अगर आपका अकाउंट अगर हैक हुआ है तो उसको बारीकी से कैसे आप समझ सकते हैं, अपने फेसबुक को कैसे जान सकते हैं कि मेरा फेसबुक हैक है या नहीं है। फेसबुक अगर आपका हैक हो जाता है तो कोई भी बंदा आपका मतलब कुछ भी डाल के आपको बदनाम कर सकता है, आपका अर्न भी कर सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका प्रोसेस मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह आपको हैक वाला फेसबुक कैसे आप पता कर सकते हैं मिनटों में। आपको यहाँ पे अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आ जाना है, पेज पे नहीं जाना है, आपको प्रोफाइल पे आ जाना है। तो मेरा यहाँ पेज ही लॉगिन है, तो मैं इसे आपको दिखाता हूँ कि किस तरह मतलब ये पेज से आपको ये सब मिलने वाला नहीं है, प्रोफाइल में ही आप पता कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पेज पे खोलता हूँ, यहाँ पे सेटिंग का आइकन पर टच करते हैं। यहाँ पर टच करने के बाद आपको दिखाते हैं, देखिए टच करने के बाद यहाँ पे वो ऑप्शन आपको यहाँ से स्क्रॉल करके देखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो आपको स्क्रॉल करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे सारा सेटअप, यहाँ पे वो सेटअप आपको नहीं मिलेगी क्योंकि पेज से ही आपका प्रोफाइल पेज से ही कनेक्ट होता है और आपके प्रोफाइल से ही सारे पेज बनते हैं। जो भी बंदा आपको अगर प्रोफाइल को हैक कर लिया तो समझिए आपका सारा पेज उसके अंदर हो जाएगा, इसलिए आपको पेज पर ही जाना है। तो मैं पेज पे आपके ले चलता हूँ, तो यहाँ पे आपको पेज पर ले चलता हूँ जहाँ से आपको बारीकी से समझाता हूँ किस तरह आपका फेसबुक अगर हैक है तो कैसे आप पता कर सकते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि हमारा फेसबुक हैक है या नहीं है। तो इसके लिए चलिए मैं यहाँ से आपको बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ से आपको दिखाता हूँ अपने पेज पे से हट के यहाँ से प्रोफाइल पे चलता हूँ। चलिए प्रोफाइल पे मैं यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, मेरा प्रोफाइल यहाँ पे लॉगिन हो चुका और ओपन हो रहा है। तो यहाँ से आपको अपने प्रोफाइल पे जाना है, तो प्रोफाइल मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। थोड़ा प्रोसेस ले रहा है गाइस, तो वीडियो की मत करिएगा नहीं समझ में नहीं आएगा कि आपको प्रोफाइल से क्या बेसिक बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ से देखिए मेरा प्रोफाइल आ गया, प्रोफाइल पे आपको अपने इमेज वाले पे टच करना है। चलिए मैं यहाँ पे इमेज वाले को टच करता हूँ। यहाँ पे देख लें सेटिंग का आइकन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पे आपको इसे टिक करना है, तो मैं यहाँ से टिक करता हूँ। चलिए मैं यहाँ से टिक कर दिया, दिखाई दे रहा है यहाँ पे देख लीजिए नीचे आपका ये सी मोर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सी मोर को ओपन करना है। तो मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। फाइनली इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो ये इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएं। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा, चलिए मैं इसे आपको बताता हूँ। यहाँ से देख लीजिए पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो यहाँ से आप हटिए करेंगे ये रुकिए, यहाँ से आपको समझ में आगे और प्रोसेस है। तो यहाँ से आने के बाद आपको यहाँ पे आए, यहाँ पे वेयर यू इन लॉगिन लिखा है इसे आपको टिक करना है। तो चलिए मैं वेयर यू इन लॉगिन पे आपको टिक करना है। तो यहाँ पे आपके सारा जितना भी आपका मोबाइल अगर दूसरे डिवाइस में लॉगिन है तो यहाँ पे सारा सेटअप यहाँ पे आपको दिखाई देगा। मेरा वीवो का है तो ये वाई फाई में, तो मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ मेरा इसी में लॉगिन था, तो मैं इसे लॉगिन किया था तो मैं इसे जानता हूँ। मेरा इससे मैं सैमसंग का मोबाइल है तो फिर भी इसमें लॉगिन था। जितना भी जहाँ भी ये लॉगिन रहेगा तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से डिवाइस में, कौन से डेस्कटॉप में है, कौन से कंप्यूटर में लॉगिन है, तो आपको सारा सेटअप यहाँ पे दिखाई दे देगा। ये देख लीजिए कि मेरा SBZ मतलब दूसरे स्टेट का दिखा रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं हैं तो वहाँ का लोकेशन से आपका यहाँ पे दिखाई देगा, तो इससे घबराने वाली बात नहीं है। आपका सिर्फ मोबाइल में ये सेटअप आपका मोबाइल होना चाहिए, इस तरह का सेटअप यहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो अगर आपके मोबाइल में लॉगिन है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, अन्यथा अगर दूसरे का मोबाइल है तो आपको यहाँ से लॉगिन को लॉगआउट कर सकते हैं। यहाँ से टिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगआउट का ऑप्शन है, इस रेड वाले को टच करें। टच करने के बाद यहाँ से आपको सारा यहाँ पे दिखाई देगा, जिस डिवाइस से आपको लॉगआउट करना है यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से लॉगआउट करके आपको दिखाता हूँ। फाइनली यहाँ पे मेरा ही मोबाइल में लॉगिन है, तो मैं यहाँ से लॉगआउट देखिए नीचे दे रहा है, लॉगआउट करेंगे तो सारे डिवाइस से यहाँ से लॉगआउट हो जाएगा, आपका फेसबुक सेफ हो जाएगा। तो यहाँ से आप पता भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम से में भी कहाँ से लॉगिन है, तो यहाँ से भी आप इसे लॉगिन लॉगआउट कर सकते हैं। यहाँ से फाइनली सेटअप आप इसको पता कर सकते हैं, यहाँ से सारा सेटअप आपको दिखाई देगा। तो आपको यहाँ से डिलीट करना है या लॉगआउट लॉगिन करना है, अगर आपको सेट में है आपके मोबाइल में है
तो इसको रहने दें, अन्यथा दूसरा कोई मोबाइल अगर आपके इस पे शो कर रहा है तो उसे लॉगआउट कर सकते हैं। यहाँ से आप सारा प्रोसेस यहीं से मिलने वाला है, तो इसको आपको चेक करना है कि कहीं आपका प्रोफाइल हैक तो नहीं है। तो हैक वाले सिस्टम में यहीं से आपको जानकारी पूरी मिल जाएगी कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक तो नहीं है। बहुत बहुत क्रिएटर इसको पता करते हैं कि मेरा हफ्ते में या हमेशा चेक करते रहते हैं कि मेरा फेसबुक कहीं लॉगिन तो नहीं है। सो गाइज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें।